आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश पीलीभीत में गांव में दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश। सिबरीहिल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के NSS कैंप के छात्रों ने 3 दिन गांव का अलीगंज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई थी। छात्रों ने ग्रामीणों से बेटा भेद नहीं करते हुए दोनों को शिक्षा दिलाने की अपील की। छात्राओं ने अलग अलग टोली बनाकर ग्रामीणों के घर जाकर उन्हें जागरूक किया। अलीगढ़ में छात्रों ने बेटी बचाओ का संदेश दिया और बेटी का समान साक्षरता के लिए लोगों के जागरूकता किया। नारों के माध्यम से ग्रामीणों को बताया कि बेटा और बेटी में भेदभाव न करें, दोनों को बराबरी का दर्जा दे, बेटी को भी शिक्षा प्राप्त करने का हक है। छात्रों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर लगाते हुए गाँव वासियों का मार्गदर्शन किया। कन्या भ्रूण हत्या अभिशाप है इसकी जानकारी दी। कावेरी टोली की छात्राओं ने घर घर युवतियों का सर्वे किया है और उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी ली। BCA के छात्रों ने समझाया कि गांव के किशोरियों के परिजनों को समझाया कि परिजन लड़की को बोझ न समझे, उसे शिक्षित करें, समाज में रुतबा और बराबरी का दर्जा दिलाएं। लड़की शिक्षित हो जाएंगी तो स्वयं नौकरी कर अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है। मम्मी पापा आ गए, पापा आ गए, पापा मेरे लिए क्या लाए हो? खुशी को परेशान नहीं करते, उनको पानी दो। पापा बताओ ना क्या लेके आज खाने में क्या बना है? अब पैसे पेट पे थोड़ी उगते जो मैं तोड़ के ले आऊंगा। खुशी बेटा बाहर जाओ। जी एक तो हमारे दिन खराब चल रहे हैं, ऊपर से कल को खुशी की शादी भी तो करनी है, कहाँ से करेंगे हम? एक तो इतनी गरीबी और ऊपर से भगवान ने हमारे साथ धोखा किया है। जी अब जो नसीब में लिखा है वही तो मिलेगा। माँ मुझे कहीं भेज रहे हो क्या? माँ आज से पहले आपने मुझे इतना प्यार नहीं किया। बेटे कभी ये मत सोचना कि आपकी माँ ने आपसे कभी प्यार नहीं किया। खुशी बेटा नसीब को खत्म भी तो किया जा सकता है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मैं बोला था ना वहाँ बैठने को। पापा मुझसे आपकी परेशानी नहीं देखी जाती। मतलब? मतलब ये है कि हम सुबह की पहली किरण के साथ अपनी खुशी को खामोश कर देंगे। बेटा मुझे माफ कर दे, ये गड्ढा मैं तेरे लिए खोद रहा था, तुझे मेरी इतनी चिंता है, तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अब से मैं तेरी शादी धूमधाम से करूंगा।
छात्र उमेश शिवम अनुप गुरुराज और गुरमित ने नारे लगाते हुए जिस घर में वो होता है बेटी का समान वह घर होता है स्वर्ग समान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समाज प्रगति के रास्ते ले जाओ। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी आलोक उपाध्याय मैनेजमेंट विभाग के प्रवक्ता संजीव श्रीवास्तव तृप्ति अग्रवाल एवं आईटी विभाग के किरण पांडे भी मौजूद थी। दर्शकों आज मैं भी एक बेटी हूँ। आज जो कुछ भी हूँ मेरे माता पिता के वजह से हूँ। आज मैं एक पत्रकार के रूप में हूँ। इसका सर्व श्रेय मेरे माता पिता ने मुझे दिया है और आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से। क्यों मुझे उन पर गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो ये खबर आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस खबर को शेयर कमेंट और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।